हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज नॉलेज पॉइंट 02 पर 3000 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को धान में लगने वाले एक सामान्य रोग के बारे में जानकारी दूंगा। यदि इसका उपचार सही समय पर ना किया जाए तो इसका हमारी फसल पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारी फसल बहुत अधिक कम हो जाती है। तो फ्रेंड, आज की अपनी इस वीडियो में मैं इस रोग के रिलेटेड आपको सारी जानकारी दूंगा, यानी ये रोग कैसे होता है, ये रोग क्यों होता है, इस रोग के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, हम इस रोग को अपनी फसल में लगने से पहले कैसे रोक सकते हैं, या इस रोग के लग जाने के बाद हम अपनी फसल को कैसे बचाएंगे। तो फ्रेंड, बने रहिए अंत तक हमारी वीडियो में। और उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं इस रोग की तरफ। इस रोग का नाम है खैरा रोग। ये धान में लगने वाला एक सामान्य रोग है जो जिंक की कमी से होता है। अब हम चलते हैं इस रोग के लक्षण की तरफ। तो इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं, पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में ये हल्के पीले रंग के धब्बे कत्थई कलर में बदल जाते हैं, तथा इस रोग से प्रभावित पौधा बौना रह जाता है और खैरा रोग से संक्रमित पौधे की जड़ भी कत्थई रंग की हो जाती है। यदि हमको नहीं पता चल पा रहा है कि इस पौधे में क्या हुआ है, तो अगर हम एक दो पौधा उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ हमें कत्थई कलर की दिखाई देगी। तो ये होता है इस रोग का सामान्य लक्षण। अब हम चलते हैं इस रोग के उपचार की तरफ। तो फ्रेंड, आज की अपनी इस वीडियो में हम इस रोग के दो तरह के उपचार आपको बताएंगे। पहला उपचार ये कि आप अपनी फसल में या अपनी फसल में इस रोग को होने से पहले कैसे रोक सकते हैं। दूसरा ये कि यदि आपकी फसल में ये रोग हो गया तब हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, यानी कि इस रोग को हम अपने फसल में लगने से पहले कैसे रोकें। तो इसके लिए जब भी हम धान की बुआई करने जा रहे हों तो अपने खेत की मृदा की जांच करवाएं। अपने खेत की मृदा की जांच आप अपने ब्लॉक में या अपने आसपास कृषि विज्ञान केंद्र में कराएं। यदि आपकी मृदा जांच रिपोर्ट में जिंक की कमी आती है तो जब आप धान की बुआई से पहले जुताई करते हैं उसी समय आप 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को अपने खेत में दे दीजिए, जिससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी और खैरा रोग की संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं दूसरे विधि की तरफ, यानी कि यदि हमारे खड़ी फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्तियों का पीला पड़ जाना, पत्तियों के पीले धब्बों का कत्थई रंग में बदल जाना, पौधे बौना रह जाना, जड़ों का कत्थई हो जाना, इस सब तरह के लक्षण यदि आपके पौधे पर दिखाई देने लगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि 5 किलोग्राम जिंक लेंगे, 5 किलोग्राम जिंक, 20 किलोग्राम यूरिया और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, इन तीनों को 1000 पानी में घोल लेंगे। इस घोल को अपनी खड़ी फसल के ऊपर हम छिड़काव करेंगे, जिससे कि हमारे खेत में जिंक की पूर्ति हो जाएगी और खैरा रोग के लक्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज थी हमारी ये वीडियो धान में लगने वाले खैरा रोग के ऊपर। मिलते हैं हम अपनी फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।